डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। द क्वेश्चन गिवन इज इफ 4x इज इक्वल टू p ऑफ x + 3 + q ऑफ x - 1 इज एन आइडेंटिटी, तो हमें p एंड q की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें 4x हमें गिवन है p into x plus 3 plus q into x minus 1, that is 4x is equal to px plus 3p plus qx minus of q, that is 4x is equal to x common लेते हैं तो p plus q plus of 3p minus q। अब अगर दोनों तरफ हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब अगर x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें और कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो p प्लस q की वैल्यू में 4 गिवन है, एंड अगर हम कांस्टेंट टर्म को देखें तो 3p माइनस q ये 0 के इक्वल है, तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस q माइनस q कैंसिल आउट, तो 4p इज इक्वल टू 4 आ गया, तो p की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू हो गई। इसे हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3p माइनस q इज इक्वल टू 0 है, तो q की वैल्यू हो गई 3p, तो q इज इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट मीन्स q की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो p आ गया 1 के इक्वल एंड 3 q इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।